इस लड़के को देखिए किस तरह लंगड़ाते हुए ये चल रहा है। पुलिस उसे मदद कर ले जा रही है। हालांकि हकीकत ये है कि इस लड़के की जान बच गई। गनीमत ये रही कि सही समय पर उसे बचाने लोग पहुंच गए, नहीं तो आज इसकी हालत ऐसी भी नहीं रहती। दरअसल बिहार के वैशाली स्थित राज फ्रेश डेयरी में गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई। भगदड़ के चलते लोग इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में एक की मौत भी हो गई, वही आसपास के 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जबकि 35 लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि दूध फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव के चलते हादसा हुआ। गैस हवा में घुलने से करीब 4 किलोमीटर तक फैल गई, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। जानकारी यही है कि राज दूध वाला अमोनिया का जो उसका सिलेंडर रहता है, वही से रिसाव हो गया गैस का। अस्पताल में करीब 40 के आसपास यहाँ आए हैं। एक मृत व्यक्ति यहाँ आया। सिम्टम क्या है लोगों को, किस तरह का दिक्कत? सांस लेने में तकलीफ होती है और करीब करीब सब ठीक ही हैं। कुछ लोग घर चले भी गए हैं। यही स्थिति। कैजुअलिटी डेथ कितना सर? एक वहीं से मतलब स्पॉट पर ही डेथ हो गया था या रास्ते में यहाँ पर डेट लाया है। अच्छा, बगल की फैक्ट्री में? अच्छा, आप बगल की फैक्ट्री में काम करते थे जी। तो कैसे क्या हुआ बताइए? कोई हम लोग धमक आया, अब धमक होकर बाहर में निकल के लगे कि सब भाग रहा था, वो भाग गए इधर। कुछ दिक्कत वगैरह भी हो रहा है? इधर ही हमें यही वाली कति दर्द कर रहा, गला दर्द कर रहा है, खच खच कर। खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद इसको गैस एक लगा। हम लोग को भी कहे कि गैस कहाँ से आ रहा है। हम लोग बाहर निकलते थे तब तक इसका हालत बहुत सीरियस हो गया। जो घर में तत्काल मेडिसिन करते हुए ट्रीटमेंट करते हुए इसका हालत बहुत खराब हो गया। हॉस्पिटल लाते लाते इसका हार्ट बैठने लगा, ऑक्सीजन लगा है तब जाके ये। आपका घर कहाँ पे है? फैक्ट्री से कितना दूर है? वही पासवान जो राजपूत कॉलोनी। फैक्ट्री से तो 2-3 किलोमीटर दूर है। नहीं, एक किलोमीटर दूर है। किस काम के लिए यहाँ पे चल रहा है, किस तरह का सूचना था, क्या ऑपरेशन चल रहा है? अभी से लगभग जो है 45 मिनट पहले ये सूचना मिली कि राज फ्रेश जो डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, आइसक्रीम वगैरह बनाती है, यहाँ पर जो अमोनिया का जो सिलेंडर है वो सिलेंडर फट चुका है और उससे गैस का रिसाव पूरी तरह हुआ है, जिसमें कि 4-5 लोग बेहोशी की हालत में है। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल आकर के अमोनिया गैस के जो भी रिसाव वाला क्षेत्र है वहाँ पानी की छिड़काव कर रही है कि जो भी गैस का प्रसार हो रहा होगा पानी के दबाव से दबेगा। इनकी राज फैक्ट्री के भी अपनी जो एक्सपर्ट टीम है उनका सूचना दिया गया, जैसा कि मैं अंदर भी गया हूँ, तेज गंध अभी भी फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सिलेंडर के रिसाव का जो बल्ब है उसको उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन एहतियात के तौर पर हम लोग की एक्सपर्ट टीम गुवाहाटी पटना से भी चल चुकी है, जो कि तहकीकात कर रही है कि अमोनिया के प्रचार प्रसार को कैसे हम लोग कंट्रोल कर लें, और इनकी भी टीम काम कर रही है। तब तक हमारे फायर ब्रिगेड की टीम जो है जहाँ जहाँ अमोनिया गैस का प्रसार या जो भी वातावरण में होगा उसको दबाने का प्रयास किया जाए। सांसों की घुटन के चलते और अपनी जिंदगी बचाने के लिए लोग काफी मशक्कत करते दिखाई पड़े। हालांकि बाद में इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में सभी को भर्ती कराया गया। गैस लीक की खबर के बाद स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की बौछार की गई ताकि अमोनिया गैस के असर को कम किया जा सके। देर रात तक चले इस अभियान में काफी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही थी, हालांकि बाद में इसे काबू पा लिया गया था। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव के चलते भगदड़ के हालात बन गए थे, कई लोगों को आंतरिक चोटें भी आई। अफरा तफरी के चलते सभी को अपनी जान की ही फिक्र सता रही थी। एक वक्त तो ऐसा लगा कि कई लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे, हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। वैशाली की इस गैस रिसाव की घटना से एक सवाल जरूर उठ रहा है कि ऐसे हादसों के लिए पहले से कोई इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है? जब इस तरह के खतरनाक हादसे हो जाते हैं तभी हम क्यों जागते हैं।